वेलकम, मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। एक समय था जब गिने चुने ऑलराउंडर्स ही भारतीय टीम का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट ने कई ऑलराउंडर्स खिलाड़ी विश्व क्रिकेट जगत को दिए। उनमें से एक ऐसा ही नाम जिनकी बैटिंग, बॉलिंग और मैदान में उनकी पूर्ति का हर कोई कायल है, जो आज भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के एक अद्भुत ऑलराउंडर खिलाड़ी की, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। भारत में लोग क्रिकेट को धर्म का दर्जा देते हैं, वहीं लोग इस खेल से अपनी निजी भावनाओं को भी जोड़कर रखते हैं। इस बात से ये तो अंदाजा हो ही जाता है कि 142 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं है। किसी गरीब घर के लड़के के लिए ये मुकाम हासिल करना थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन इन्होंने अपने जुनून, लगन और परिवार के सहयोग से इस असंभव को भी संभव करके दिखाया। चलिए इस खिलाड़ी को थोड़ा करीब से जानते हैं, उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात राज्य के जामनगर जिले में गुजराती राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में चौकीदार के तौर पर काम करते थे, जिनकी तनख्वाह का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं इनकी माँ लता बहन एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। माँ को एक कमरे का सरकारी आवास मिला था, जिसमें रविंद्र का बचपन इसी एक कमरे में बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए गुजरा। माँ लता बहन समाज की कुरीति और तानों के बीच काम कर रही थी। इसी एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें उनकी 2 बहनें भी शामिल थी। रविंद्र के पिता उन्हें एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन रविंद्र के दिल में क्रिकेट ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। यही कारण था कि उन्हें अपने पिता से एक तरह की झिझक भी रहती थी। रविंद्र के माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो छुप छुप कर क्रिकेट खेलने जाया करते थे। क्रिकेट खेलने के दौरान जब जडेजा की बैटिंग आती थी तो कुछ बदमाश लड़के मैच को वही खत्म कर देते थे, इसे लेकर रात में जडेजा खूब रोया करते थे। ये सब बातें उन्हें नींद में बोलने की भी आदत हो गई थी। जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह के दोस्त महेंद्र सिंह चौहान पेशे से एक पुलिस वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र में खूब क्रिकेट खेली थी, इसी कारण वो क्रिकेट बंगलों में युवा खिलाड़ियों को सिखाया करते थे। जडेजा जब 10 साल के थे तभी उनके घर वालों को उनके क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी के बारे में पता चला। अनिरुद्ध जी ने जडेजा को 2 ऑप्शंस दिए, या तो उनके दोस्त के यहाँ क्रिकेट बंगलों में सिलेक्ट हो या फिर आर्मी स्कूल ज्वाइन कर ले। रविंद्र जडेजा को 2 दिन के ट्रायल के बाद ही क्रिकेट बंगलों में दाखिला मिल गया। उनके कोच महेंद्र सिंह बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उन्हें अपनी एकेडमी में इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सबसे ज्यादा फील्डिंग पर फोकस करते थे। क्रिकेट बंगलो एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पर घास नहीं हुआ करती थी, इसकी जमीन पत्थर जैसी थी और यहीं पर रविंद्र जडेजा अपनी फील्डिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। रविंद्र जडेजा ने फास्ट बॉलर के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन उनकी हाइट कम होने की वजह से उन्हें कोच ने स्पिन बॉलिंग पर फोकस करने की सलाह दी, जिसके बाद से जडेजा ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी को अपना हथियार बना लिया। एक मैच में जडेजा बहुत महंगे साबित हो रहे थे, तभी उनके कोच ने बीच मैदान में उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाना जैसा साबित हुआ। इसके बाद जडेजा ने इसी मैच में 5 विकेट अपने नाम किए, फिर कोच के उन्हीं हाथों से शाबाशी भी पाई। जडेजा अपने गेम के प्रति बहुत मेहनती और ईमानदार रहे। 2005 में जडेजा को अंडर 19 की टीम में चुन लिया गया, लेकिन तभी उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जनवरी 2006 में जडेजा की माँ लता जी का एक किचन एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया, इसे लेकर पूरा परिवार आघात में था। वहीं जडेजा पूरी तरह से टूट चुके थे। माँ के गुजर जाने के गम में उन्होंने क्रिकेट को छोड़ने तक का मन बना लिया, लेकिन घर वालों ने उन्हें समझाया। माँ के गुजर जाने के 12 दिनों के बाद जडेजा को 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया। जडेजा ने अपनी माँ के लिए क्रिकेट को पूरी जान से खेलने का निश्चय किया। जडेजा ने 25 फरवरी 2006 को अपना लिस्टेड डेब्यू किया। देवघर ट्रॉफी के उस मैच में उन्होंने वेस्ट जोन की तरफ से खेला, जहां उन्होंने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने बल्ले से नाबाद 26 रन का योगदान दिया, वहीं बॉल से 4.8 की इकोनॉमी से 2 विकेट भी झटके। जडेजा ने इसी साल 19 अक्टूबर 2006 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने फर्स्ट डेब्यू मैच में ही उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद 4 अप्रैल 2007 को उन्होंने अपना T20 में डेब्यू किया। साल 2008 में उन्हें फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। इस
टूर्नामेंट में वो भारतीय टीम के उप कप्तान भी थे। इस साल भारत ने टाइटल भी जीता जिसमें जडेजा की अहम भूमिका थी। उन्होंने 3.14 के किफायती इकोनॉमी से 10 विकेट झटके। 2008 में रविंद्र जडेजा का रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन था। अगर बात करें उनकी लव लाइफ की तो रविंद्र जडेजा ने 17 अप्रैल 2016 को रिवाबा सोलंकी से शादी की। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम निध्याना जडेजा है। एक समय आर्थिक तंगी से जूझते रविंद्र जडेजा की जिंदगी आज किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। उनका एक फार्म हाउस भी है जिसका नाम है मिस्टर जड्डू का फार्म हाउस। तो ये था रविंद्र जडेजा की जिंदगी का सफर। ऐसी ही और कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।